अगली खबर में बात करते हैं गया की, जहां वजीरगंज थाना क्षेत्र के भिंडस में जमीनी विवाद को लेकर अपराधी प्रवृत्ति के लोगों ने एक परिवार पर जानलेवा हमला किया है। हमले में मां और बेटे को घायल कर दिया है। वहीं वजीरगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर स्थिति को देखते हुए घायलों को मगध मेडिकल अस्पताल में रेफर कर दिया गया। हमलावरों के द्वारा पूर्व में भी घटना को अंजाम दिया गया था। करजरा पंचायत के भिंडस का रहने वाले पीड़ित चिंटू कुमार और पिंटू कुमार मां ललिता देवी का कहना है कि जब मैं घर पर था तो मुझे घात लगाकर छोटू कुमार, अंशु कुमार सहित 8 की संख्या में अपराधियों ने हम पर हमला कर दिया। मुझे जान से मारने की कोशिश भी की गई। जब इसकी सूचना लिखित रूप से मैं वजीरगंज थाना को दिया तो किसी भी तरह की कार्यवाही नहीं की गई है। नहीं, वैसा तो नहीं किए हैं। हथियार उन लोग मतलब लिए हुए थे, डंडा पहना, बहुत सारे रेड उड लिए हुए होंगे तो मारे थे, बहुत मार मारे हैं। फिर क्या, प्रशासन के पास फिर गए हम, DSP के पास में भी आए। यहाँ सर रहते हैं मुफस्सिल में, तो इनको ही बोले तो ये बोले कि जाइए इंजुरी लिखवाइए। वहाँ गए तो वहाँ भी इंजुरी लेकर हमें छोड़ दिए। अभी तक कोई कार्यक्रम जा रहा नहीं किए। नाम हो प्रशासन से क्या मांग करना चाहते हैं? आपकी जान की खतरा है? हाँ, जान का भी खतरा है और मेरा घर परिवार लोगों को भी खतरा है। क्या मांग करना चाहते हैं? तो रात में आज ये संदीप है, टायर दुकान वहीं पे दीपक है, उसके पास में प्रभु सिंह बोल रहे थे कि हवा नहीं चलने देंगे, पेड़ जलमा देंगे, कौन चलाएगा देखेंगे किसका औकात है, ये चल जाएगा। मेरा चार वो हवा है उसे रोकने के लिए वो बोल रहे थे। और जमीन विवाद में मेरा गौशाला बना हुआ था, वो साला को विजय दशमी के दिन JCP से लगा कर 12 बजे रात में गिरा दिए। जब हम लोग गिरते हुए देखे तो वहाँ पर पहुँचे तो उन लोग JCP को भगा रहे थे, और जब उधर जाने की ओर दौड़े तो उन लोग दौड़ करके हम लोग पर हावी हुए। कौन मतलब गिरा दिया? बिपिन सिंह, गांव का रहने वाले हैं। अच्छा, उनका लड़का अंशु कुमार हुआ। अच्छा, और छोटी कुमार हुआ, वीरेंद्र सिंह हुए, प्रभु सिंह हुए। तो आखिर क्यों, मतलब कोई ऐसा, मतलब आपके साथ मतलब कोई दुश्मनी था या क्या था? ज़बरदस्ती उनको कहना सर कि मेरा ज़बरदस्ती हम कब्जा करने, वो लोग बहुत बली हैं सर, उन लोग 7-8 घर हैं, हम लोग हम अकेला घर हैं, उन लोग 7-8 गोतिया हैं, हम लोग अकेला हैं, उन लोग बाहुबली हैं सर, और उन लोग कहते हैं ज़बरदस्ती हम कब्जा करेंगे। वो जमीन किनका है? जमीन मेरा है सर। तो आपने कभी मतलब पुलिस उलिस से भी सहायता लिया, लिखा? जब वो JCP से ढाए तो हम पुलिस को आवेदन दिए, पुलिस आवेदन के बाद स्पॉट पर पहुँचे, स्पॉट पर पहुँच के दोनों पार्टी को बुलाकर बोले कि दोनों कागजात लेकर आइए। अच्छा, तो हम बोले कि ठीक है सर, हम कागजात लेके आते हैं। तो वो बोले कि कागजात हम भी लाते हैं, तुम भी लाओ, कि ठीक है थाना पर जाते हैं। सर को बोले कि सर आप जाइएगा और मार हो जाएगा सर। वो रोड पर भी नहीं पहुंचे और हम लोग पूरे परिवार घर की ओर जा रहे थे, वो लोग तलवार और रड ले करके और पीछे से वार किए, जिस आगे से तलवार से वार किए, जिससे मेरा कमर फट गया सर। कितना का संख्या में लोग रहे होंगे जी? मारने वाले हमलावर कितना का संख्या में थे? कम से कम 8-9 की संख्या में थे सर। इसके लिए जेंट्स मारा कि लेडीज मारा? जेंट्स की लेडीज नहीं था, कभी कोई नहीं जेंट्स मारे सब है। हम दो को लेकर, तीन को लेकर हम पथरा हुए, वो सब 8-10 को पथरा लग गया। इसको पट्टा कैसे 5,000 रुपये टूट गया है सर। आखिर क्या मामला हुआ जो मारपीट इतना हाई लेवल का हुआ? क्या मामला है जो मारपीट इतनी ज़्यादा है? कि वो कहता है कि जमीन हम ये रास्ता बनाने हैं, और जमीन हमारा मेरा है, 50 साल से उस पर घर बनाएंगे, अब घर के भी गिरा।